अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिद्रा ताहिर हेयर फ्रॉम रियल स्कॉलर्स कॉलेज। आई होप यू गाइस आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ईयर नंबर सिस्टम्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनमें रैशनल नंबर्स थे, इरैशनल नंबर्स कि वो क्या होते हैं, फिर फर्दर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स की हेल्प से हम किस तरह से जो हैं वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरैशनल कौन से हैं। फिर हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस की, इक्वालिटी की, इनइक्वालिटी की। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? रियल नंबर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हम कोई दो नंबर्स ऐड करें तो हमारे पास आंसर भी रियल नंबर आता है, और मल्टीप्लिकेशन में ये था कि अगर कोई दो रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो जो उनका प्रोडक्ट है वो भी रियल नंबर ही होता है। लेकिन वो रियल नंबर्स के सेट के लिए था। अब हमने ये जो सेट है ज़ीरो, इसको बताना है कि ये क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। देखिए, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे वन एलिमेंट ही है जो कि है ज़ीरो, आपने उसको रो में भी लिखना है, कॉलम में भी लिखना है। एडिशन टेबल बनाया तो देखिए ज़ीरो इस तरह से ऐड करते हैं, ज़ीरो को ऐड किया ज़ीरो में तो आंसर क्या आया, ये वाला ज़ीरो। तो अब देखें जो आंसर आया है क्या वो जो गिवन सेट है उसमें लाई करता है, उसको बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो जितने भी आंसर्स होते हैं उनका भी उसी सेट में जो है वो लाई करना, उसी सेट से बिलोंग करना ज़रूरी है। अगर कोई हमारा जो रिज़ल्ट है वो आउट ऑफ द सेट आ जाए तब वो क्लोज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, अदरवाइज वो जो है वो क्लोज होगा। अब जैसे देखें यहाँ पे आंसर आया ज़ीरो, इसको यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो के इक्वल है जो कि ज़ीरो सेट को बिलोंग करता है, इट मीन ये जो हमारा सेट है गिवन सेट वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोज का मतलब ये है कि हमारे जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो भी गिवन सेट से ही बिलोंग करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए, सेम वही टेबल बनाया लेकिन क्योंकि ये ऑपरेशन यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया, तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ार ज़ीरो। तो ये जो आंसर आया है वो भी हमारा जो हमारा क्वेश्चन है जो मैं जो सेट गिवन है उसी से बिलोंग करता है, इट मीन्स जो आंसर है वो गिवन सेट में ही लाया करता है, तो हमारा ये सेट जो है वो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखिए। अब ये जो है वो है 1, सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है 1, उसको रो वाइज पे लिख दिया, कॉलम में भी लिख लिया। अब जब ऐड किया तो 1 प्लस 1 2 के इक्वल आया। अब 2 तो गिवन सेट से बिलोंग नहीं करता तो इट मींस ये जो हमारा गिवन सेट है वो क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ार 1, आंसर आया 1 के इक्वल। 1 जो है वो गिवन सेट से बिलोंग करता है, मींस 1 × 1 = 1 विच बिलोंग्स टू गिवन सेट। तो हमें ये पता चला कि ये रिजल्ट है कि आपका जो ये जो गिवन सेट है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो समझ ये देखना होता है कि जो हमारे आंसर है वो गिवन सेट से बिलोंग करे उसी में लाया करता हो। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 देखिए। अब इसमें 2 एलिमेंट्स है, 0 भी है एंड माइनस 1 भी है। आपने क्या काम करना है, सबसे पहले देखें एडिशन टेबल में इसको रो वाइज भी लिखा उसी सीक्वेंस में 0 - 1, इसको कॉलम वाइज भी लिखा 0 - 1। अब किस तरह से इस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 0 + 0 = 0। अब नेक्स्ट देखें 0 + -1, तो देखें इनकी इंटरसेक्शन पे इनका रिजल्ट लिखते हैं, 0 + 0 = 0। अब नेक्स्ट देखें 0 + -1, इसकी इंटरसेक्शन पे लिख दिए -1। नेक्स्ट वन क्या है, -1 + 0 - 1। नेक्स्ट वन है -1 - 1 = -2। अब आप ये देखें इसमें जितने भी रिजल्ट्स हैं, 0 देखें 0 + 0 = 0, ये भी जो है गिवन सेट से बिलोंग करता है, ये वाला भी गिवन सेट में बिलोंग करता है, थर्ड वन भी जो है वो थर्ड रिजल्ट है -1, वो भी गिवन सेट में लाया करता है। बट ये जो -2 आया वो गिवन सेट में लाई नहीं करता। अगर एक भी स्टेटमेंट हमारे पास जो एक भी जो इसका रिजल्ट है वो लाई नहीं करता, इट मीन्स ओवरऑल सेट पे जो है वो
वो क्लोज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन. इट मीन्स यहाँ पे देखें एक माइनस टू आ गया विच डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट. इट मीन्स जो हमारा गिवन सेट है इज नॉट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब इसी सेट को हम मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से देखेंगे. फर्स्ट वन देखें जीरो जीरो आर जीरो, जीरो माइनस वन आर जीरो. जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो जीरो ही हो जाता है. माइनस वन जीरो आर जीरो, बट माइनस वन इंटू माइनस वन वन के इक्वल आया. अब देखें ये जो तीनों जीरोज आए हैं वो हमारे गिवन सेट में लाए करते हैं. बच्चे जो लास्ट रिजल्ट है वन वो गिवन सेट में लाए नहीं करता. तो इसमें भी एक स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई, वो बिलोंग नहीं करता. तो इट मीन्स हमारा जो गिवन सेट है इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसका पार्ट नंबर फोर भी इसी तरह से है. तो ही इसमें एलिमेंट्स है वन एंड माइनस वन, जिसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों के रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, हमने यहाँ पे क्या काम करना है. हमने प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो रही है. क्वेश्चन नंबर टू जो थी वो टू जो था वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ का था, और ये जो हमारे पास हैं ये इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं. पार्ट नंबर थ्री है इसका अकॉर्डिंग टू रिड्यूस लेवल्स. वन ग्रेटर देन माइनस वन है, इम्प्लाइज दैट माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस फाइव. अब आप ये देखें हमने इस चीज़ पे फोकस करना है, वन से माइनस थ्री कैसे बन सकता है. या तो इस वाले वन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए माइनस थ्री के साथ तब बनेगा माइनस थ्री. अगर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड्स को ही मल्टीप्लाई किया होगा. तो देखें वन का भी वन का मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री आया, तो दूसरी साइड पे थ्री आना चाहिए था. अब देखिए यहाँ पे थ्री और फाइव है, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हुई. दूसरा क्या तरीका था वन से माइनस थ्री लाने के लिए कि हम इसमें माइनस फोर ऐड कर दें. अगर हम माइनस फोर ऐड करें तो दोनों साइड्स पे ऐड करें माइनस फोर, तो एक साइड पे आ गए माइनस थ्री, दूसरी साइड पे आ गए माइनस फाइव. इनइक्वालिटी वही है जो गिवन है. तो देखिए इट मीन्स जहाँ पे हमने फोकस करना है कि वन से जो लेफ्ट साइड है वो कैसे जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है, वन से माइनस थ्री कैसे बनी. या तो मल्टीप्लिकेशन से बन सकती है या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बन सकती है. तो इट मीन्स देखिए मैंने यहाँ पे रीज़न लिखी हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या काम किया है, माइनस फोर ऐड हुआ है, माइनस फोर दोनों साइड्स पे ऐड किया तो ये चीज़ आती है. अब कोई चीज़ ऐड करें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है इनइक्वालिटी की, सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी. इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए जो है वो ग्रेटर है बी से. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वैसे ये भी होती है कि आप दोनों साइड पे जो उनका रेसिप्रोकल ले लो, जैसे टू जो है वो ग्रेटर है थ्री से, अगर आप दोनों साइड पे रेसिप्रोकल लो तो रेसिप्रोकल लेने से जो है वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. ये भी आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में तो मेंशन नहीं है, बट आपकी जो नाइन्थ की बुक थी उसमें चैप्टर नंबर टू की प्रॉपर्टीज में ये वैसे मेंशन हुआ हुआ था. कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा. ये बात याद रखिए जब भी आप रेसिप्रोकल लें दोनों साइड पे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. साइन जो है इसमें मिस्टेक है. वैसे ये वन ओवर ए ग्रेटर है और लेस है, सॉरी वन ओवर वी से. तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है. पार्ट नंबर फोर देखिए, ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट माइनस, इसमें तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि माइनस वन से मल्टीप्लाई किया हुआ है. जब आपको ये बात बताई थी मैंने कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. यहाँ पे वन से माइनस वन कैसे, ए से माइनस ए कैसे बन सकता है कि माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नेगेटिव नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई. तो ये भी हमारे पास क्योंकि हो तो मल्टीप्लिकेशन ही रही है, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है. इन सब में जिसमें थोड़ा सा फोकस करना है, जिसमें लॉजिक अप्लाई करनी है, वो प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिस पर आपने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है कि वन से माइनस. यहाँ पे तो वेरिएबल है, इसमें तो नज़र ही आ रहा है कि मल्टीप्लाई हुआ है. यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे ऐड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है. आज का लेक्चर बस यहीं तक था. जो क्वेश्चंस करवाए हैं इनको ध्यान से करिएगा, और जो आपको होमवर्क दिया गया है इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर से जो है वो सॉल्व करना है. बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे कम्युनिकेट कीजिए. थैंक यू.
थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।